सर, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर दिस मैथमेटिक्स सेक्शन? अभी जैसे ए मई चल रहा है, सो मई चल रहा है और पेपर सितंबर में, सो मई से सितंबर में व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू प्रिपेयर? पेपर में जैसे टाइम मैनेजमेंट का आपने बताया, सो जैसे आपने एक बार मुझे बताया था कि कैलकुलेशन पे भी आप काम कर सकते हो अपनी वैदिक मैथमेटिक्स यूज़ करके. देखो सुमित, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द क्रैश कोर्सेज, बिकॉज क्रैश कोर्सेज मीन्स क्रैश, यू हैव टू क्रैश। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर अप द होल सिलेबस इन 15 डेज और 20 डेज और 30 डेज और इवन इन 40 डेज। थिंक मैं आप स्टूडेंट्स को एक सेशन दूंगा बच्चे, पहले तो आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3 और 4 मंथ्स का होना चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के आ जाते हैं, लाइक फ्रॉम बिल्कुल ठीक आर्ट्स है। बैकग्राउंड, फ्रॉम कॉमर्स. सो क्योंकि पेपर, टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं. सो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है सर? तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है. इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए. आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस अकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ. मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. आज मेरे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, एंड ही स्पेशल बिकॉज ही इज़ माई मेंटोर एंड माई गाइड एंड माई टीचर. ही इज़ द वन बिकॉज ऑफ विच आई एक्चुअली वेंट टू एनडीए, बिकॉज मेरे जैसा बंदा जैसे मैथ्स में एकदम डल था, ही कुड नेवर गो टू एनडीए, एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर रमन राणा सर, हु मेड इट पॉसिबल कि अ गाय लाइक मी कैन गो टू एनडीए. सो थैंक यू वेरी मच एंड सर, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म. फॉर हेलो एवरीबॉडी। दोज हु डोंट नो, मिस्टर रमन राणा ओवर हेयर, ही हैज 20+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ही हैज टॉट इन इंस्टीट्यूशन लाइक फिटजी, श्री चैतन्या मिनरवा, एंड वेयर आई वॉज, दैट वॉज कॉल्ड एरावत कोचिंग अकेडमी. सो ही वॉज टीचिंग अस देयर, एंड यू नो इन आर बैच वी वर 27 बॉयज़ एंड 7 of us क्लियर आर एन डी ए रिटन एग्जाम. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच आई लव द मोस्ट, कि आई ऑलवेज रैन अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स से मुझे डर लगता था, लेकिन सर ने इतना इंटरेस्टिंग बनाया कहानियाँ सुनाकर और क्लास इंटरेक्शन से, कि मज़ा आता था क्लास में अटेंड करने में. सो सर, आई होप यू रिमेम्बर दोज डेज इन पटियाला. बिल्कुल याद है, वो पूरे दिन याद है। आप लोगों का भागना और मेरा, आप लोगों को पकड़ पकड़ के बिठाना, ठीक है, कि नहीं हो जाएगा, थोड़ी और मेहनत करो, हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली यू, तुम्हारा, ठीक है, फ्रंट डोर से निकलना और मुझे फिर बैक साइड से पकड़ना, से बस कहाँ जा रहे हो? चल भी आ जाओ, अभी आ जाऊंगा, कोई गलत कहने से तुम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल सर, टॉम एंड जेरी का गेम हो गया. बिल्कुल सर. सो सर, मेरे प्लेटफॉर्म पे मेजॉरिटी ऑफ माय व्यूअर्स आर फ्रॉम फॉर एंड आर एस्पायरिंग फॉर एनडीए. सो सर, एनडीए में जो पेपर में सबसे ज़्यादा जो टफ है, जो लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, दैट इज़ द मैथमेटिक्स सेक्शन, बिकॉज एवरी ईयर देर इज़ बीन अ चेंज, कि वो धीरे धीरे जेई के लेवल का हो रहा है धीरे धीरे. फ्रॉम वॉट इन माई टाइम वॉज, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, अब तो लड़कियाँ भी आ गई हैं. सो सर, हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर दिस मैथमेटिक्स सेक्शन? अभी जैसे ए मई चल रहा है, सो मई चल रहा है और पेपर सितंबर में, सो मई से सितंबर में व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू प्रिपेयर? देखो सुमित, तो हम लोग अभी मई मंथ में है ना, तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको दो तरह से क्लासिफाई करता हूँ।
एक वो है जो 11th पास आउट है, those who have entered in the 12th class. So those who have entered in the 12th class, वो तो अभी at present अपने 11th का जो syllabus है, उस पर पूरा focus करें, उसको completely revise करें, क्योंकि most of the people जो भी 11th pass out हैं और 12th studying हैं, उनके पास almost 3 or 4 months का समय है, ठीक है, तो उस दौरान उनको जो है अपना पूरा syllabus भी complete करना है 12th का, और साथ साथ में September के लिए appear भी होना है. तो मैं उनको कहूंगा कि वो पहले अपना 11th का portion strong कर लें, 12th का portion हो सकता है कि इन 4 months में वो पूरा कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन 60% वो कंप्लीट हो जाता है. तो अगर वो फोकस करेंगे ना अपने 11th पे ज्यादा, और 12th जो प्रेजेंट चल रहा है उसके ऊपर अच्छी तरह से वर्कआउट करेंगे, सो दे कैन इजीली क्रैक द एंड एग्जामिनेशन ऑफ सितंबर मंथ. बट दूसरा वजह वो आपके कैटेगरी आती है जो कि 12th पास आउट है. जो 12th पास आउट है उनको मैं ये कहूंगा कि वो 11th पढ़ चुके हैं, 12th वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपने एंटायर सिलेबस को 4 or 5 parts में ब्रेकअप कर ले. फॉर एग्जाम्पल पहले वो अलजेब्रा पार्ट हो गया, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर आपके पास कैलकुलस पार्ट है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ये 5 sections में वो सिलेबस को पहले पढ़े, हर सेक्शन में ये देखे कि टॉपिक कौन कौन से आते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चा हर टॉपिक में बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं होता. उस बच्चे को पहले ये देखना है कि ये जो मैंने आपको 5 मैंने कैटेगरीज बताई हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसको ये देखना है कि इन 5ों पोर्शन में से उसके कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है. पहले तो अपने आप को उस कंफर्टेबल जोन में लेके आए जो उसके लिए अच्छा है, जिस पोर्शन में वो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करे, और जिनमें वो वीक है उसके ऊपर वर्कआउट करे, क्योंकि वीक पोर्शन जो है वो जनरली स्टूडेंट का वीक ही रहता है, आप जितना मर्जी एफर्ट कर लीजिए, लेकिन उसको वीक पोर्शन को उस स्टेज पे लेके आना है ताकि कम से कम आप 10 में से अगर मान लीजिए 3 या 4 क्वेश्चन कर सकते. तो पहले तो पूरा सिलेबस को स्टडी करें कि है एक्चुअल में सिलेबस, किस तरह से मुझे प्रेपरेशन करना है. और मैं समय तो आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है और आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगर हम इन 2 टॉपिक्स को देखें तो इन 2 टॉपिक्स को मिला करके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार 30+ भी हो जाता है. तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगा कि पहले कंप्लीट सिलेबस को पढ़े, उसके बाद हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 या 4 साल के देख करके उनसे एक आइडिया लें कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चैनलाइज करें कि इन टॉपिक्स में मुझे जो है स्ट्रांग हूं तो मैं इनको और स्ट्रांग करूंगा, जिनमें वीक उनको मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा, बट द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी स्ट्रांग वो स्ट्रांग रहने चाहिए. तो इस तरह से उसको एक तरह से पूरा फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट अ फॉर्मूला है एक तरह से, कि मैंने पहले टॉपिक्स और एंटायर सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक्स करना है, फिर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके मैंने आगे फिर अपनी स्ट्रेटजी बनानी. और इंपॉर्टेंट जो है समझ वो ये कि टाइम मैनेजमेंट, बहुत से बच्चे टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं जानते. उनकी जनरली एक शिकायत होती है कि जब हम लोग पेपर देने बैठे हमें आता तो बहुत कुछ पर टाइम कम था. सो मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगा सब बच्चों को कि टाइम सबको बराबर मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया. सम ऑफ द स्टूडेंट दे स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन, जैसे एग्जामिनेशन में आपको पेपर मिलता है वो एकदम से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं. मैं आपको ये कहूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन से कभी मत स्टार्ट करिएगा, पहले पेपर को पढ़िएगा. पेपर से पहले सिमरत हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि मुझे पेपर करना है, और वो सोच के जाता है कि पेपर ऐसा आएगा, बट ये जरूरी नहीं कि जैसा आपने सोचा पेपर वैसा ही होगा. उससे पहले आप जो भी सोच के गए हैं हो सकता है कि वो पेपर के दौरान वो चीजें वहां पर वर्कआउट ना करें. सो फर्स्ट 5 or 10 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है, मार्क ऑल दोस क्वेश्चन जो आपको लगता है बहुत सिंपल है और वो आप कर सकते हैं, उनको पहले मार्क कर लीजिए. फर्स्ट 10 मिनट्स का जो टाइम आप यूटिलाइज करोगे ना पेपर को स्टडी करने में, वो अगले 140 मिनट्स के लिए बहुत यूजफुल हो, ये मेरा एक सजेशन है बच्चों, बेटर रहेगा इसके लिए. और जहां तक बुक्स की बात है सुमित, हर एक आदमी कहता है कि ये बुक्स दो बुक्स दो. देखो बुक्स तो आपके पास सबसे बढ़िया जो किताब है वो आपकी एनसीईआरटी टेस्ट बुक है, उसको थोरली करिएगा, एनसीईआरटी टेस्ट बुक थोरली करिएगा. एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर एक बुक आता है, 11th का भी आता है, 12th का भी आता है, उसको भी अच्छी तरह से करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, और कहीं से भी कोई टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर लीजिए. ये सब 4 जो मैंने आपको बताया इनको जरूर करिएगा, डेफिनेटली उसका स्कोर इंप्रूव करेगा, और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छा वर्कआउट करिएगा. मैं आपको एक बड़ा इजी एग्जांपल देता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आपको भी थोड़ी हंसी आएगी और बच्चों को भी हंसी आएगी. एक पर्टिकुलर पेपर में ऑप्शन देखो किस तरह से बनाए गए थे. पहला ऑप्शन था tan inverse x, ऑलराइट,
सेकेंड ऑप्शन था 10x कंप्लीट ब्रैकेट टू द पावर माइनस वन, थर्ड ऑप्शन था टेंजेंट x टू द पावर माइनस वन एंड द डी पार्ट इज नन ऑफ दिस। तो सिमर बच्चे ने सवाल तो कर लिया लेकिन वो चारों ऑप्शन को देख के घबरा गया कि इसमें से टेन इनवर्स कौन सा एक्स है। मतलब इतना बढ़िया डिजाइन किया गया था इसको समझना है कि टेन इनवर्स एक्स जो है वो टेन एक्स की पावर माइनस वन होगा कि टेन एक्स की पावर माइनस वन। मतलब और बहुत से बच्चे जो कि अच्छे परफॉर्मर थे लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं थे, थोड़ा से ग्रामर थे, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। ये पेपर बहुत अच्छा होता है, सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छा वर्कआउट करिएगा। ऐसा होना वजह कि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम आपको, उसके ऊपर अच्छा वर्कआउट करिएगा। बिल्कुल सर, सर ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली एनसीईआरटी वाली, बिकॉज आई हैव सीन दिस कि बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कि कौन सी बुक करें, आरएस अग्रवाल करें, पाथफाइंडर करें, और आई एम लाइक कि एनसीईआरटी किया पहले, पहले बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करो तुम अपने, फिर अगर कभी टाइम मिले तो जाके करो यार ये सब, लेकिन बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना पहले बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन अच्छा होगा तभी उस पर आगे बिल्डअप कर सकते हो। तो दिस एडवाइस जो सर की है, प्लीज़ गाइज फॉलो दैट। एंड सर जो पेपर में जैसे टाइम मैनेजमेंट का आपने बताया, सो जैसे आपने एक बार मुझे बताया था कि कैलकुलेशन पे भी आप काम कर सकते हो अपनी वैदिक मैथमेटिक्स यूज करके, कैलकुलेशन ट्रिक्स यूज करके, तो यू कैन सेव टाइम। मैथमेटिक्स आप सही कह रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पेपर होता है ना एनडीए में उसमें इतना वैदिक मैथमेटिक्स का कांसेप्ट यूज नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होती। यस सर, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि वो थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशंस को वर्कआउट करें। मेंटल हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे एक हमारी कॉमन साइकोलॉजी है, जैसे अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चन बनाऊं तो आप क्या करेंगे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर पे आप लिखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसके बाद कई बार आप क्वेश्चन लिखते हैं। वो एक नॉर्मल स्ट्रेटजी होती है बच्चे की। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग टू मच इन द एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा मत लिखिए। अगर आपको लगता है कि सवाल देख करके आपको इसका आंसर जो है उसका एक इमेज बन रही है, उस इमेज को पेपर पे सिंगल विद इन 3 or 4 वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, दैट्स ऑल। डोंट गो फॉर अननेसेसरी कैलकुलेशंस, उससे आप तभी बच सकते हैं जब आप मेंटल कैलकुलेशंस करेंगे। ओके सर, यू सरप्राइज टू नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वो 22 × 22 भी करते हैं, अगर कहीं पे आ जाए तो 22 × 22 भी करते हैं। सिंपल ये कहा है कि तुम्हें 22 × 22 करना है, तुम 20 + 2 का होल स्क्वायर, यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर, तो दिमाग में रखो क्या अपने आप मेंटल कैलकुलेशंस हो जाएंगे। टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यस सर। एंड सर वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स कि सर प्रोवाइड्स ही टीचेस इन अ ग्रुप एज वेल, इन अ ग्रुप टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल इन सर प्रोग्राम देयर इज अ नंबर इन द डिस्क्रिप्शन एंड ईमेल आईडी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट सर ऑन देम। एंड इफ यू वांट टू सी कि सर पढ़ाते कैसे हैं, देन देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल, सो उसमें सर के वीडियोज़ हैं, बिकॉज वी डिड सर एग्रीड टू डू अ वेरी स्पेशल रिवीजन सीरीज वो पिछले एनडीए के सीरीज, एंड दैट वाज अ मैसिव हिट अमंगस्ट यू गाइस, सो प्लीज़ चेक आउट दैट अगर आपको अच्छे लगे। बाकी सर का चैनल है RNDA सीरीज करके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो यू कैन चेक आउट ऑल दिस अगर आप इंटरेस्टेड हो अंडर टू कम अंडर सर गाइडेंस एंड रीच एनडीए लाइक मी एंड माई फ्रेंड्स, then you should definitely enroll. This is the only program which I can endorse and I really would love ki you guys do this. So, sir, aap jaise agar koi bachcha aapki guidance mein aata hai, so how many months does it take? Jaise aajkal crash course bahut chalte hain, 1 month, 15-20 days. So, I am sure ki aap us school of thought se nahi ho. So, what is the process jab aapke under aata hai guidance mein? देखो सुमित, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द क्रैश कोर्सेज, बिकॉज क्रैश कोर्सेज मींस क्रैश, यू हैव टू क्रैश, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर अप द होल सिलेबस इन 15 डेज और 20 डेज और 30 डेज और इवन 40 डेज। थिंक मैं आप स्टूडेंट्स को एक सेशन दूंगा बच्चे, पहले तो आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3 or 4 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रेफरली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जनरली पहले क्या करते कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पास पेपर के दौरान आपको प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स पेपर जब आपका एनडीए का होता है उसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप निकालते हैं तो उसमें इनइक्वालिटी पार्ट इन्वॉल्व होता है। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वीक इन द इनइक्वालिटी पार्ट। इनइक्वालिटी पार्ट जो है किसी भी प्रॉब्लम का एंड होता है। स्टूडेंट स्टार्टिंग से तो सही करता है लेकिन जब एंड पे पहुंचता है तो इनइक्वालिटी देख के घबरा जाता है कि अब मैं इनइक्वालिटी में क्या करूं, मुझे तो इनइक्वालिटी आती नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इनइक्वालिटी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमें मालूम है कि कौन कौन से पोर्शन है जहां पे स्टूडेंट जो है वो वहां पर फंस सकता है, तो हम इनइक्वालिटी पार्ट को पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद हम फिर कोर्स सिलेबस पे आना शुरू करते हैं और कोर्स सिलेबस में जब हम आते हैं तो हम उन टॉपिक्स को पिक करते हैं जो कि इंटरलिंक होते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूंगा कि एनडीए एग्जामिनेशन में पिछले कुछ 4-5 सालों से इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स भी स्टार्ट हो चुका है। इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक का मतलब है कि एक प्रॉब्लम सिर्फ एक टॉपिक से नहीं होगा, उसमें 2 या 3 डिफरेंट जो आपके पास टॉपिक्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कई और जगह पे भी हो रही है। प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स में केवल ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके पास कैलकुलस के प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आपका क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के पोर्शंस में आ रहा है, तो वो सारी इंटरलिंकिंग जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स हम बच्चों को बता देते हैं कि देखो ये टॉपिक है इसकी यहाँ यहाँ के साथ इंटरलिंकिंग हो सकती है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ये इंटरलिंकिंग जो है वो आपको समझनी है क्योंकि हमारा ये पर्पज है समझ कि जब वो बच्चा वहां पे जाए तो उससे पहले वो इतना प्रैक्टिस कर ले कि वो पेपर उसका एक रूटीन पेपर हो, उसके दिमाग में कोई हेडेक ना हो, कोई उसको ऐसा प्रेशर ना हो, वो जस्ट एक जगह जाए पेपर दे और वापस आ जाए और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझे। ये हमारा पर्पस है। ग्रेट सर। सो सर जैसे यू नो एनडीए में काफी बच्चे होते हैं जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड किया जाते हैं लाइक फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड फ्रॉम कॉमर्स, सो क्योंकि पेपर टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा बायस्ड है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, सो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है सर? जो देखिए जो आपके आर्ट्स के जो बच्चे हैं, आर्ट्स वालों को पहले तो मैं अलग कर दूं, ठीक है। आर्ट्स वाला बच्चा जो है अगर वो सिमत आपके पास 10th तक मैथमेटिक्स ऑफकोर्स पढ़ा होता है उसने, ठीक है। अब 11th और 12th में आर्ट्स वाले स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विद मैथ्स, एक होते हैं विदाउट मैथ्स। जो विद मैथ्स वाले हैं वो भी मैथ्स को एडिशनल पढ़ते हैं, वो एज ए यू कैन से नॉर्मल सब्जेक्ट की आप कह सकते हैं रूटीन सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते, वो एडिशनल मैथ्स पढ़ते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके हम वो टॉपिक्स पकड़ते हैं जिनको वो इजिली कर सकते हैं और वो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा करवाते हैं उनको, हम उनको स्टैटिस्टिक्स बहुत करवाते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स को मैंने आपको बताया था अगर दोनों को क्लब किया जाए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 25-30 के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। yes. तो हम उनके लिए वो टॉपिक्स पकड़ते हैं जिनमें वो थोड़ा सा इजी समझे और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझे, और जो टॉपिक स्ट्रांग है उस सेंस में स्ट्रांग है कि जो डिफिकल्ट है उनको हम उनको बहुत थोड़ा थोड़ा बताते हैं ताकि उनको एज ए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे। ये है उन लोगों के लिए जो 11th 12th विदाउट मैथ्स वाले, और जो विद मैथ्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उनको शायद ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल में कंपटीशन किस तरह का, ये पेपर है किस तरह का। तो वी जनरली डिवोट 2 or 3 days उनको समझाने के लिए कि बेटे आपका पेपर किस तरह का है, आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी लगानी है और किन किन टॉपिक्स पे आपको वर्कआउट करना है। अब आता है लास्ट में आपका जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लगता है कि इन जनरल आर्ट्स बैकग्राउंड से थोड़ा अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स वाले बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि कॉमर्स वाले थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स फील्ड को ज्यादा पढ़े होते हैं, तो वो कई जगह पर हमारे लिए कंफर्टेबल जोन लेकर आते हैं, बट इन जनरल भी उनके साथ भी इस तरह की स्ट्रेटजी करनी पड़ती है कि उनको थोड़ा सा वो टॉपिक्स में बताना पड़ता है, जैसे क्वाड्रेटिक हुआ, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए, इन टॉपिक्स में उनको थोड़ा सा डीपली बताना पड़ता है। तो हर तरह के साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके साइंस बैकग्राउंड के लिए उनके लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, आर्ट स्टूडेंट्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, कॉमर्स वालों के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है। हर कैटेगरी में हम आपको बता दें कि डिफरेंट टॉपिक्स की हम सिलेक्शन करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, और वो टॉपिक्स को हम इस ढंग से बाइफरकेट करते हैं कि उनके लिए वो इजी भी हो और साथ में वो एक तरह से कॉम्पिटिटिव एज तक चले जाए। सो गाइज पिछले 20 मिनट में हमने ये जाना कि कैसे क्या फर्क होता है एक आदमी में जो एक्चुअली जिसको पढ़ाना आता है और एक ऐसा आदमी जिसने पेपर क्लियर किया हुआ है।
सो आजकल एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टीचिंग ऑन यूट्यूब, बट इफ यू वॉन्ट एक्सपर्ट टू टीच यू एंड टू गाइड यू इन लाइफ ऑल्सो, देन प्लीज ज्वाइन रमन राना सर्स प्रोग्राम। लिंक और जो ईमेल आईडी है दैट इज इन डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है दैट इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन एंड इन कमेंट सेक्शन एज वेल। सो डू चेक देम आउट एंड थैंक यू फॉर बींग सच एन लवली ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर बींग अ गेस्ट सर। बड़ा मजा आया आपसे फिर से बात करके। करेंगे। थैंक यू भाई मच। जय हिंद थैंक वन यू। ऑल।